गोविंदा अपने अलग ही अंदाज के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले गोविंदा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से ही फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की मनोकामना मांगी थी। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। कुछ दिनों से लगातार बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी कोरोना की चपेट में आए हैं और उन्हीं में से एक थे गोविंदा। हालांकि गोविंदा गुरुवार को अपने नेगेटिव होने का ऐलान एक मजेदार वीडियो के जरिए किया है, जो मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दरअसल गोविंदा ने इंस्टाग्राम पर एक बूमरैंग वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो दरवाजा खोलकर बाहर आते नजर आ रहे हैं। लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन के कपड़े और आंखों पर सनग्लासेस लगाए गोविंदा एकदम फ्रेश दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ चीची ने लिखा, अपुन आ गेला है। इसके साथ ही हैशटैग टेस्टेड नेगेटिव लिखा। गोविंदा की इस वीडियो पर सबसे पहले उनके सबसे बड़े फैन रणवीर सिंह ने प्रतिक्रिया देकर खुशी जाहिर की कि दिल में रणवीर ने गोविंदा के साथ काम किया था और इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा ने रविवार सुबह कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूचना दी थी और संपर्क में आने वाले सभी से गुजारिश की थी कि वो अपना टेस्ट करवाएं। गोविंदा ने बताया था कि उनकी पत्नी सुनीता भी कुछ वक्त पहले रिकवर हुई हैं। कोविड-19 संक्रमण से पहले गोविंदा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में नजर आ रहे थे। मनोरंजन इंडस्ट्री में कोविड-19 का प्रकोप इस बार सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार कुछ दिन पहले कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी भी दी थी। हालांकि कोरोना की चपेट में आने के बाद कई सारे सेलिब्रिटी रिकवर भी हो चुके हैं और उन्हीं में से है गोविंदा। अब गोविंदा नेगेटिव होकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी अदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर गोविंदा के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो गोविंदा का करियर इन दोनों ढलान की तरफ दिखाई दे रहा है। कुछ साल पहले उनकी फिल्म रिलीज हुई थी रंगीला राजा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इसके बाद उनकी कोई बड़ी फिल्म का ऐलान नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले मीडिया इंटरेक्शन के दौरान गोविंदा ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि OTT प्लेटफॉर्म पर वो जबरदस्त वापसी कर सकते हैं।